सभी को नमस्ते। मेरा नाम कामाक्षी केवट है और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में यह 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। गणतंत्र का अर्थ है देश के सभी देशवासियों के लिए समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। हमारे देश में सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। भारतवासी 26 जनवरी के दिन को बड़े ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अनेक कार्यक्रम इस दिन मनाए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अन्य नेता देश को संबोधित करते हैं। स्कूल के बच्चे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दिन मनाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को हटाकर 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सवारी निकाली जाती है। भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ी यहाँ मार्च करती है और लाल किले पहुँचती है। इस दिन सार्वजनिक समारोह में तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का सदस्य माना गया था। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियों ने अपना योगदान दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिनों में भारत का संविधान बनाया है। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सभी लोग बड़े सम्मान के साथ राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला डालकर शहीद सैनिकों का सम्मान करते हैं। सभी शहीद सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। इस दिन विदेशों से बहुत से मेहमान और राजनेता आते हैं। यह दिन मात्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने का नहीं बल्कि वह दिन है जब हमें गणतंत्र दिवस की महत्व को समझना चाहिए। अंत में मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि चलो साथ में मिलकर कुछ ऐसा करें कि हम अपने देश को सफलता की ऊंचाइयों पर ले चले। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।